आज स्मैकडाउन का एपिसोड आई थिंक सही लगा मेरे को, बिकॉज एक ऐसा सेगमेंट था, एक ऐसा सेगमेंट आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने जिसको भी देखा काफ़ी ज़्यादा थी, और हमको पता था भाई साहब ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, और आज स्मैकडाउन का प्रीव्यू देना कमाल होने वाला है गेट रिजल्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर एंड राम राम, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में, प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। तो आज स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है, वैसे तो बहुत 10-12 घंटे हो चुके हैं, आपको लेट में वीडियो पाता हूँ शाम के वक्त, लेकिन मैं पूरे दिन की न्यूज़ कवर करके लाया हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड में लाता हूँ ताकि आपको सारी न्यूज़ पता चल सके, रूमर रिजल्ट क्या दिक्कत है सब कुछ। देखिए स्मैकडाउन की बात करें, आप सबने स्मैकडाउन देख ही लिया होगा, और आई थिंक जो मैंने कहा था कल की वीडियो में कि एक फैटल फोर मैच रोयल रंबल के लिए जो कि पता था उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, लेकिन जिस तरह से आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की चीज़ें करी गई वो सही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा खास भी नहीं लगी। ओपनिंग सेगमेंट में जिस तरह से निक ऑल्डिस के थ्रू एजे स्टाइल्स, एलए नाइट और रैंडी ऑर्टन को बुलाया गया वो ठीक थी, लेकिन रोमन रेंस का ना आना, कहीं ना कहीं पॉल हेमन का वो कहना कि भाई साहब रोमन रेंस अभी नहीं आएगा, एंड वो मेन चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी, निक ऑल्डिस का जो रोमन रेंस के लिए एक तरह से प्यार है ना वो और बढ़ी जा रहा है, और मुझे काफ़ी देख के मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब पॉल हेमन जाता है कि रोमन रेंस नहीं आने वाला, भाई साहब निक ऑल्डिस फिर ठीक है एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमारे पास आई है एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन एलए नाइट रॉयल रंबल के लिए, और ये मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए करवाना चाहूँगा, वेकेट अनडिस्प्यूटेड टाइटल, यानी कि वेकेट। पॉल हेमन जैसे ही वेकेट का नाम सुनता है उसकी धजियाँ उड़ जाती है, भागे भागे रिंग में आता है, फिर निक ऑल्डिस की तारीफ पड़ता है, यू आर वेरी गुड मैन, पॉल हेमन की तरह जो ड्रेसअप करता है यानी कि मेरी तरह, और आई थिंक यू बेस्ट काम कर रहा है एज ए जनरल मैनेजर, एज ए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट, आई थिंक कमाल का काम कर रहा है। और निक ऑल्डिस को ये सुन के ज़्यादा भी ताजुब नहीं होता, बिकॉज निक ऑल्डिस को पता है कि भाई पॉल हेमन किस तरीके का बंदा है, वो बातों में फंसाता है बंदों को, एंड इसी बीच में भाई साहब प्रोमो सेगमेंट शुरू हो जाती है, एलए नाइट एजे स्टाइल्स के ऊपर बोर करने लगता है, पॉल हेमन पे करता है, फिर एलए नाइट एजे स्टाइल ऊपर में ही बैठ जाते हैं, ब्रोल क्लियर कट है, मैंने को बता रखा था ये रेसलमेनिया में एलए नाइट एजे स्टाइल की फूट चलने वाली है, सो दिस इज वो डिफरेंट लेवल पर जाने वाली है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन भाई साहब फायदा उठाता है, पॉल हेमन की टाई पकड़ लेता है, फिर रैंडी ऑर्टन कहता है कि तुझे सर कुछ नहीं करना है पॉल हेमन, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तुझे रोमन इसके पास जाना है और उसको ये बताना है कि तू कभी मत भूलियो कि रैंडी ऑर्टन कौन है, और रॉयल रंबल के अंदर मैं उसको बताने वाला हूँ कि असली रैंडी ऑर्टन कौन है, और एक चीज़ तू उसको जरूर बोलियो कि वो 3 letters स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में है, एंड दैट इज RKO। सो भाई साहब ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं स्मैकडाउन का ओपनिंग सेगमेंट मुझे सही लगा, इससे ज़्यादा आपकी उम्मीद आप क्या करोगे यार, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे। आई थिंक मैं सही बताऊँ तो मैं फैटल फोर मैच के लिए भी एक्साइटेड नहीं हूँ रॉयल रंबल में, अगर सिंगल मैच होता ना रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रहता, लेकिन एक फैटल फोर मैच है, और भाई साहब पर्सनली देखा जाए तो एजे स्टाइल्स एलए नाइट अपना ही लड़ रहे हैं आपस में, रैंडी ऑर्टन रोमन इससे तो कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं आने वाला मुझे। हाँ मैच में इंटरेस्टिंग हो सकता है, लंबा मैच हो सकता है, क्लिचेस ईस्टर एग्स मिल सकते हैं, कहीं एक्शन भी कमाल का होगा, नॉट डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, चेयर शॉट सब कुछ चलेगा, लैडर्स वगैरह, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर दैट मैच, और आप मेरे को बताइएगा आप एक्साइटेड हो या नहीं। उसके बाद भाई शो का एक मैच कन्फर्म था, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा, मेन इवेंट में यही चीज़ होते हैं, लेकिन उससे पहले बैकस्टेज सेगमेंट भी होती है रोमन रेंस की जे उसो के साथ, एंड वही चीज़ है भाई साहब पॉल हेमन के साथ कि तूने फिक्स नहीं किया अभी तक, एंड फिर जिम उसो पर रोमन रेंस चढ़ जाता है, भाई साहब तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तूने यहाँ चीज़ें खराब कर दी हैं, लेकिन सोलो सिकोवा जिम उसो के आगे आगे कहता है कि मैंने खराब करी है, जिमी ने नहीं, ये चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं और मैं ही इसको फिक्स करूँगा, एंड फिर जिम उसो को साइडलाइन करके सोलो सिकोवा रोमन रेंस के सामने आता है, भाई साहब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें चलने वाली है, इनकी फ्यूड की दिशा आगे बढ़ने वाली है, लेकिन देखा जाए तो भाई सोलो सिकोवा पूरा ब्लेम लेता है सोलो सिकोवा की सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लास्ट में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं लेकिन अब मैं उसको चीज़ें ठीक करने वाला हूँ। फिर सोलो सिकोवा एक करके सब पर अटैक करता है, एलए नाइट पर, ये स्टाइल पर, डन फिर रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच होता है, मैच सही था, इतना ज़्यादा बवाल नहीं था, लेकिन पता ही है भाई साहब नो रिजल्ट आएगा इस मैच का, कोई पिनफॉल कुछ नहीं होने वाला। फिर रोमन रेंस आगे रैंडी ऑर्टन अटैक कर देता है, एंड दैट्स फाइन, यू नो दैट आगे क्या हुआ भाई साहब, वही रोमन रेंस का वही सब, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, निक ऑल्डिस के कॉन्ट्रैक्ट लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, फिर बाहर फेंक देता है, फिर एक स्पीयर की तैयारी कर रहा होता है रैंडी ऑर्टन पे, लेकिन रैंडी ऑर्टन एक कमाल का काउंट डाउन करता है, एंड उस स्पीयर को आरकेओ में कन्वर्ट करता है, शायद द बेस्ट द थिंग एंड स्मैकडाउन ग्रैंड इसी चीज़ से था, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं रिवाइंड कराती है 2017 रॉयल रंबल की, बिकॉज वो 2017 रॉयल रंबल में आखिरी में रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन ने रह गए थे, एंड सेम स्पीयर को ऑर्टन काउंट करके आरकेओ में कन्वर्ट करते थे, सो सेम कंडीशन आई, तो वो रिवाइंड
मेमोरी रिवाइन होगी। सो सही चीज़ थी, मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं ऐसी रिवाइन करना, पुरानी मूव्स को दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है, सो अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। लेकिन हाँ, स्मैकडाउन का एपिसोड देखा जाए तो ओवरऑल ठीक था, और आई थिंक कहीं ना कहीं रोमन का जिस तरह से रूप देखने को मिलना चाहिए वो मुझे तो नहीं देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं रॉयल रंबल के लिए एक बिल्डअप, चलो एक बिल्डअप तो बन ही है भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते ये बिल्डअप नहीं बना है रॉयल रंबल के लिए, लेकिन माई पर्सनल थिंक ये रॉयल रंबल के कमाल का बिल्डअप बन चुका है। फेडल फॉर ए मैच है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल का, रोमन रिंग्स डिफेंड करेगा अगेंस्ट एलिना नाइट एजे स्टाइल्स एंड सोलस, सॉरी रेंडी ओटन, इतने बंदे आना भाई साहब जवान पर चल जाती है। लेकिन एक मैच, लेकिन देखा जाए तो भाई साहब फ्यूड सही चली है और रॉयल रंबल में आने वाला, देखिए दोस्तों रॉयल रंबल में क्लियर करते हैं भाई साहब रोमन रेंस रिटेन करेगा, और ये नहीं पता कि क्या होने वाला है रॉयल रंबल में, किसी की हेल्प होगी क्या लगता है आपको, कोई हेल्प करेगा रोमन रिंग्स की, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रूमर है, क्या पता रॉक का रिटर्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि रोमन रॉक इस साल नहीं होने वाला, अब देखते हैं कि मैं गलत होता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ रोमन रिटेन करेगा इस मैच में रॉयल रंबल में, लेकिन किस तरह करेगा वो चीज़ें मेन होती है, बिकॉज क्लियर तो रोमन इज आता जीता ही नहीं किसी मैच को, सो इस मैच में भी इंटरफेरेंस होगी, कुछ ना कुछ होने वाला है, सो इट डजंट मीन ऑन दैट, सो ये चीज़ें थी। और हाँ, कल की वीडियो लाने वालों, कल आपको बता दूँ एक टॉपिक है सेथ रॉलिंस के बारे में, बिकॉज सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत सारा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है, सेथ रॉलिंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें निकल के सामने आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ कह लीजिए आप, लेकिन वो चीज़ें क्या है मैं उस पर वर्क करूँगा आज की रात, और न्यूज़ इकट्ठी करूँगा, और एक कमाल का पॉडकास्ट कल सेथ रॉलिंस पर डेडिकेट होगा, कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेथ रॉलिंस के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है, बिकॉज चीज़ें कहीं ना कहीं सही में कन्फ्यूजिंग हो रही है सेथ रॉलिंस को लेकर, सेथ रॉलिंस की जो कंडीशन है, मैंने कहा था आपको ट्रिपल एस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, सेथ रॉलिंस को हमेशा कम्पीट करवाया जा रहा है, आई डोंट नो वाई, बिकॉज आप रोमर इसको सेफली बचा कर चलते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को क्यों नहीं बचा कर चलते, वो भी चैंपियन है, उसने भी टाइटल डिफेंड किया है, लेकिन आप उसको हर मंडे नाइट रो पर लड़वा रहे हो, एक टाइटल डिफेंड करवा रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घटा रहे हो, सही बता रहा हूँ आपको, सो और इंजर्ड की न्यूज़ सामने आई थी, तो या सोशल डरने वाली बात तो देखिए है ही सेथ रॉलिंस के फैंस को अगर आप हैं तो, लेकिन मैं सारी न्यूज़ इकट्ठा करूँगा और कल पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ अगेंस्ट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, सो देखते हैं कल की वीडियो में क्या होता है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE, और कल वीडियो देखना जरूर सेथ रॉलिंस वाले पॉडकास्ट की, सारी कंडीशन सारा न्यूज़ बताऊँगा आपको, राम राम जय माता दी जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं दोस्तों।